कितने लोग मारने लगे? पूछो ना भैया कौन कौन लोग, तो बकायदा दौड़ा दौड़ा कर मारा, माथा कपार फट गया इनके पास। सब कोतवाली बकायदा बैठे पड़े, बहुत परेशान थे। कहन भैया इतना मारी इतना मारने की माथा कपार से खून बहरा दर दर बह रहा था। वैसे आपको बता दें कि कोतवाली जगदीशपुर क्षेत्र का पूरा मामला है और बकायदा अमेठी जिले से जिले रिपोर्ट भेजे। कहा भैया जल्दी खबर लगा दो वरना नेट खत्म हो जाएगा। हमने कहा लो भैया लो सुन लो पीड़ित की समस्या, कलेजा दहल उठेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताबिज। ये आपके साथ जो मारपीट हुई है किस लिए हुई है? बस खाली थोड़ा सा मेरा छोटा भाई जो है चौराहा गया था, ये जो है ये भी चौराहे पे था, सामने सामने लड़ाने की कोशिश की मगर मेरा भाई जो है कप्ता के निकल गया। उसके बाद हम रोक रहे थे उसको, वो आया घर पे हमको बताया, हम कहा चलो छोड़ो। उसके बड़े भाई को पहले फ़ोन लगाया कि अकरम जो है ऐसा ऐसा है, अपने भाई को समझा लो। तो कहे कि हाँ ठीक हम समझा देंगे। जैसे वो घर पर आए उसके बाद निकले और ये छोटा वाला जो लड़ाया गाड़ी लड़ा रहा था वो आया, उसके बाद गाली गलौज करने लगा। उसके बाद में हम उसका बाप निकला पैर लेके उसको मारा, उसके बाद हम समझा रहे थे कि छोड़ो छोड़ो। उसके बाद में अभी तब पे गाली फकने। आपके सर में जो चोट लगी है वो किस चीज़ से लगी? पाइप से मारा उसे। कितने लोग मारने में थे? पांच चार चार लोग थे मारने में। कौन कौन? तीनों लड़के थे उसका बाप। क्या नाम? असलम नाम है, अयान नाम है, अकरम नाम है और अरसलान नाम है। अब अग्रीगढ़ भाषा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर तहसील क्षेत्र से आ गया। इन महिला की समस्या सुनने के बाद आपका माथा गरमा जाएगा कि 28 तारीख को भाषा एक व्यक्ति लापता हो जाता है लेकिन पुलिस ढूंढने में नाकाम रहती है। बकायदा पुलिस भाषा बता पता ही नहीं लगा पाई। सुनिए भैया सुनिए, महिला बहुत परेशान थी, माथे पर पल्लू डाल रखी थी और कहा बताएं आंखें नम थी। आपका? नीलम देवी। कौन से गाँव में रहते हैं? अच्छा क्या हुआ है आपके यहाँ? 28 तारीख से हमारे हस्बैंड 5 बजे घर से निकल गए थे। हमसे बोल गए थे कि अभी 10 मिनट में हम आ रहे हैं। वो लौट कर आए नहीं। 28 तारीख से भी लौट के नहीं आए? अच्छा, क्या नाम था उनका? मनोज कुमार। और आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी। तो अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? क्या बताया पुलिस वालों ने? कल दो बार आए थे पूछताछ करने। कल दोबारा आए थे जी। तो क्या बता रहे थे? यही पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, कितनी टाइम गए थे, झगड़ा लड़ाई हुआ था आपसे कि नहीं हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने इधर उधर कहीं उनको ढूंढा? बहुत ढूंढा, मिले नहीं है? नहीं मिले। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? रामनगर। तो अब आप बताइए भैया, नीलम देवी की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? नीलम देवी के बसा पते को कौन ढूंढ कर लाएगा जो कि लापता हो चुके हैं? पर फिलहाल बस आप रामनगर क्षेत्र की आदर सलावत की रिपोर्ट। इस तरह की दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा।